हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज मैंने किया बहुत ही प्यारे मॉर्निंग व्यू से। मुझे सुबह का ये व्यू बहुत अच्छा लगता है, सूर्य निकलने से पहले स्पेशली, और शाम सूर्य ढलने के बाद जो आसमान पे ये प्यारी सी सुर्खी छाई हुई होती है, ये बहुत प्यारी लगती है। तो आज हमें जाना था CMH। हमने अपनी कुछ रिपोर्ट्स थी वो रिसीव करनी थी, टेस्ट हमारे हो चुके हुए थे। सो सबसे पहले मैंने अपना आउटफिट सेलेक्ट किया जो मुझे आज पहन के जाना था, और फिर मैंने अपने आउटफिट को आयरन किया। एंड देन मैं शेयर करती हूँ अपनी स्किन केयर, जो कि बहुत ही सिंपल से 3 प्रोडक्ट्स हैं मेरी स्किन केयर में, दैट्स इट। और ये सबसे पहले मैं एलोवेरा यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ मेरे फेस पे कोई भी सीरम सूट नहीं करता। मैं कोई भी सीरम यूज़ करूँ, चाहे विटामिन सी, रेटिन ऑयल या कोई भी, तो मेरे फेस पे सूट नहीं करता। मुझे पिंपल्स आ जाते हैं और मुझे बहुत ही स्पेयर किस्म की एक्ने होती है। और हैंड एंड फीट के लिए मैं निविया इंटेंसिव मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली निविया के प्रोडक्ट्स मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। निविया की क्रीम भी थी वो भी मॉइस्चराइजिंग के लिए बेस्ट थी, लेकिन हाथों और पाँव के लिए मैं ये वाला लोशन यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ। सो बेसिकली ये एक टिंटेड लिप बाम है। टिंटेड लिप बाम्स मुझे बहुत पसंद हैं और ये बहुत ही प्यारा सा टिंट देती हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल सा लगता है। और मैं आपको इसका स्वाच करके दिखाती हूँ, इसका जो शेड है वो किस तरह का है। आप इसको डेली यूज़ कर सकती हो, क्योंकि अगर आप इसको लिप्स पे लगाओगे तो एक तो आपके लिप्स मॉइस्चराइज रहेंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है, और बहुत ही प्यारा सा एक टिंटेड शेड आएगा आपके लिप्स पे। सो अपनी तैयारी के बाद हम चले मेट्रो स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमें जाना था CMH। सो हम गए बाय मेट्रो। सबसे पहले हमने अपना क्वाइन लिया। क्वाइंस लेने के बाद हमारी बस आ गई, फिर हम बस में बैठे। ओके गाइस, तो अभी हम CMH पहुंच चुके हैं। गेट पे अभी हम इंटर होने वाले हैं और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। सो इंटर होते ही सबसे पहले जो बिल्डिंग थी वो थी आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट्स ऑफ डेंटिस्ट्री। अल्लाह ना करे कभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, तो मेरा चक्कर लगा तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दिए चलूँ। सो हमें जाना था OPD। बेसिकली OPD स्टैंड फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। OPD में आपको हर डिपार्टमेंट का डॉक्टर मिल जाता है इजीली। आप उसको अपना चेकअप करवा सकते हो वहाँ से जाके। OPD में एंटर होने के बाद मुझे कलेक्ट करनी थी रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के, जो यहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लोर्स थे और बंदे को बिल्कुल समझ ही नहीं आती कि आपने किस फ्लोर पे जाना है किस पे नहीं, मैं भी घूम घुमा के, खैर मुझे सबसे पहले एक्सरे वाली रिपोर्ट्स लेनी थी। तो मैं उस रूम में पहुँच ही गई, कोई 5-10 मिनट बाद ही मुझे वो रूम मिला जाके। और फिर मैंने एक्सरे की रिपोर्ट ली, उसके बाद मैं गई लेबॉर्ट्री में। एनी हाउ फिरते फिराते मैंने किसी तरह से अपनी रिपोर्ट सारी कलेक्ट करके फिर मैं गई जिन डॉक्टर से हमारा अपॉइंटमेंट था उनको रिपोर्ट्स दिखाने। उन्होंने हमें टोकन नंबर दिया, हम अपनी टर्न तक वेट करते रहे। वेट के बाद हमने डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स दिखाई और फिर हम वापस आ गए। So that's all about today's video. Thanks for watching. Kala hafiz.